हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स बीबीसीएल को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं आज की तो वीडियो के अकॉर्डिंग हम एक आपको पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे जिसका यूज़ काफ़ी समय काफ़ी पहले से होता आ रहा है जिसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस मतलब कि टॉप से शुरुआत करके डाउन तक एनालिसिस करते हुए हमको आना होता है अभी एक तीन दिन पहले हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था हिंदुस्तान कॉपर का उस एग्जीक्यूशन के वीडियो में आप देखोगे कि स्टॉक सेलेक्ट करने को उसमें करीब नौ आठ नौ हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हम बुक कर पाए थे क्योंकि मूवमेंट्स होते होते प्राइस वापस ऑपोजि टर्न हो गया था बट मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग मनी कंट्रोल वेबसाइट से बहुत अच्छी टेक्निक हमने वहाँ पर बताई स्टॉक सेलेक्ट करने की तो आप उसको देखो बहुत हेल्प आपको उससे मिलेगी आज की वीडियो में देखिए कुछ ये दूसरी मार्किंग अभी दो वॉल्यूम्स हम और मार्क करेंगे जैसे कि टेंथ की और उसके पहले की इन रेजिस्टेंस के पास का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था अभी हम लोग सबसे पहले तो चल के अपनी ट्रेड बुक देख लेते हैं सो यहाँ पर लॉग करते हैं एक एक चीज़ अभी देखेंगे कि किस तरह से कैलिसिस हमने किया और टॉप डाउन एनालिसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको आज के दिन देखने को मिलेगा आज का जो प्रॉफिट हमने किया है इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ के अराउंड का प्रॉफिट है विच इज इनफ काफ़ी हेल्प हमको मिली थी बिकॉज एक से दो परसेंट करीब जो कच्चा तेल है उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है तो ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी मूवमेंट्स डाउन साइड की तरफ हो रही हैं कि असर आज भी पी में हमें देखने को मिला हालांकि ये सारी चीज़ें तो थी ही बट इसके ऊपर जो हमारी एनालिसिस थी प्राइस में एक्जैक्ट रेजिस्टेंस में मिला इस वजह से हमने इसको ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इसके ऊपर ऑर्डर बुक देख लेते हैं ओवरऑल जो हमारी की क्वान्टज़ हैं टू मन हो रहा था कि टू कर दें बट पूरा पूरा हमने थ्री थ्री थाउजेंड किया था जिस वजह से हमारी जो क्वांटिटीज हैं टू थाउजेंड फोर हंड्रेड आई हैं एंड एंट्री थ्री सिक्स फाइव पॉइंट वन जीरो की हमारी एंट्री थ्री डबल सिक्स पॉइंट थ्री फाइव का हमारा स्टॉपस लगा हुआ है और करीब दो ती, तीन बजे के आसपास हमने यहाँ से अपनी एग्जिट की थी वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा बिकॉज आपके लाइक से बहुत अप्रिसिएशन हमको मिलता है सो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और जिस तरह से हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बी पी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इसके अलावा कुछ और भी चार्ट हम यहाँ पर एग्जाम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे वापस से कोशन बुक में चलते हैं सो ओके ठीक ठाक करीब 11000 थाउजेंड के आसपास का है प्रॉफिट एंड सबसे बड़ी चीज़ अभी लास्ट डेट में आप देखोगे कि नौ हज़ार आठ हज़ार और छः हज़ार साठ रुपये का प्रॉफिट हमने बुक किया था लास्ट वीडियो में जबकि हमें दिखा था करीब ग्यारह ग्यारह हज़ार का प्रॉफिट तो ये कल के ट्रेड में क्या हुआ था कि कल स्टॉप लॉस गया था अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया था हमारा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से कॉन्टिनुअसली हम जुड़े रहते हैं जब हम वीडियो वगैरह जरूरी नहीं कि रोज़ रोज़ हम अपलोड करें अगर नहीं होता है तो वहाँ पर आपको एक एक अपडेट टेलीग्राम के थ्रू पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं सो वो उसी तरह से आज का हमारा ट्रेड है तो एक एक चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉप डाउन एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है सबसे पहले जो इसका यूज़ शुरू हुआ था अगर हिस्ट्री वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप डाउन एनालिसिस का इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले यूज़ होना शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर बाकी सारे सेगमेंट्स और सेक्टर्स में भी इसको फॉलोअप किया जाने लगा प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है मतलब सभी सेगमेंट्स कहीं ना कहीं अपने तरह से इसका यूज़ करते हैं हम लोगों में मतलब ट्रेडिंग की फील्ड में इसका यूज़ काफ़ी पहले से होता आ रहा है काफ़ी पहले से होता आ रहा है आप देखोगे कि जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है जैसे भी आप इंडिकेटर से ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो वो भी कहीं ना कहीं टॉप डाउन एनालिसिस का यूज़ करते हैं इस सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको टॉप डाउन एनालिसिस का यूज करते हुए दिख जाएंगे इसमें एक्चुअली होता क्या है हम लोग तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं ये तीन में भी होता है पांच में भी होता है छ में भी होता है लेकिन अपने ट्रेडिंग में हम लोग इसे बेसिकली आप देखोगे कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जो डिवाइडेशन इसका पांच ही पार्ट में होगा चार में होगा छह में होगा, होगा आठ में होगा दस में होगा जिसको जिस तरह से करना उस तरह से वो कर सकता है लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में एक एजुकेटेड सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग लेकर के चलें तो इसको सिंपली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि ईजी टू यूज है को समझ में आ जाएगा सबसे पहला ब्रॉड ब्रॉड एनालिसिस हमें करनी उसके बाद में फिर मीडियम पर आ जाता और फिर टॉप डाउन मतलब की हाई से लो की तरफ हम लोग करते हुए आ अब यहाँ पर देखिए हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दी इसमें से सबसे पहला हमारा डेली टाइम फ्रेम है सेकंड हमारा वन आवर टाइम फ्रेम है थर्ड हमारा है फाइव मिनट टाइम फ्रेम इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स आपको मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पर शुरुआत करते हुए दिख जाएंगे हम प्रीफर नहीं करते उसको हम डेली टाइम फ्रेम को प्रीफर करते और जब सेकंड पोजिशन पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर फोर आवर या बिगर देन फोर आवर टाइम फ्रेम का यूज़ होता है हम लोग सिंपली जो यूज़ करेंगे वन आवर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे और थर्ड में हम लोग फाइव मिनट फाइव मिनट पर आप देखो कि कई सारे लोग आवरली फिफ्टी मिनट या फाइव मिनट का यूज़ करते हैं सबके अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी लोग इसका यूज़ करते हैं आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज़्यादा बुरा है हमें अपने हम किस में कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप शुरू से देख रहे हो कि हम लोग जो सिंपली यूज़ करते हैं डेली टाइम फ्रेम इसके बाद में फाइव टाइम फ्रेम टॉप डाउन एनालिसिस का अगर हम लोग यूज़ करें तो हमारी ट्रेड की जो कैपेसिटी है जो हमारा क्राइटेरिया है ना ये और साफ हो जाएगा टॉप डाउन एनालिसिस का अगर आप यूज करोगे ना तो इससे आपके ट्रेड्स के कन्फर्मेशन बड़े अच्छे मिलेंगे इससे होता क्या है अब मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया ये फाइव मिनट का टाइम फ्रेम है हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारा स्विंग लगा दिया और जैसे ही हमने देखा इस जगह से हम लोगों ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया बट हुआ क्या थोड़ी देर हमें प्रॉफिट दिखाया गया और बाद में फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गई यहाँ से ये यह गिर गया और हमारा स्टॉप लॉस चला गया पूरी तरह हुआ क्या कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखा ये फाइव मिनट भी हो सकता है सिर्फ हमने लोअर टाइम फ्रेम को देखा और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको तो और अच्छी तरह से समझ में और जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट पर आई यहाँ क्या है जरूर कोई ना कोई हायर टाइम फ्रेम का बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा ट्रेंड रिवर्सल्स के पॉइंट्स होंगे जिसको कि हम लोग देख सकते थे आवली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने नहीं देखा तो प्राइस वहाँ पर गया अब वो वो है तो लोअर टाइम फ्रेम है ये तो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो गया ठीक है कन्फर्मेशंस लेने के लिए काफ़ी अच्छा है बट वैसे हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर अगर जाए ना तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसने आपको स्टॉप लॉस लिया अगर हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम एस मतलब कि टॉप डाउन एनालिसिस अगर की होती तो शायद हम इससे बच सकते थे स्टार्ट और चार्ट एनालिसिस ऑन द हायर टाइम फ्रेम द टॉप डाउन अप्रोच कीप्स यू ओपन माइंडेड एंड यू विल जनरली मेक मच बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस हायर टाइम फ्रेम से अपने ट्रेडिंग्स को जो चार्ट हैं उनको रीड करो काफ़ी अच्छी तरह से आप देखो कि एक स्पेस मिलेगा आपको चार्ट्स रीड करने में सेकेंड बी क्लियर अबाउट योर हायर टाइम फ्रेम सिग्नल जो भी हायर टाइम फ्रेम पर आपने रीडिंग की है ना उस पर कन्फर्म रहो कॉन्फिडेंट रहो क्लियर रहो बिल्कुल ऑल दो आई हैव इंट्रोड्यूस मतलब कई सारे देख रहे हो आप लोग कि कई सारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटीज हमने आपको दे रखी हैं कई सही रीडिंग्स दे रखी हैं जो भी वीडियोस आप देखोगे जनरली जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है हम बुलिश फेरिश कॉन्ट्रमशंस हो गया मदर कैंडली स्ट्रेटजीज हो गई और टॉप डाउन एनालिसिस जैसे हम ये कर रहे हैं ये स्ट्रेटजी हो गई इसके अलावा फॉलोइंग रोज पैटर्नस हैं कई सारी स्टडीज़ हमने आपको दे रखी हैं जरूरी नहीं है कि आप सभी के ऊपर काम करो कोई भी एक पकड़ लो उसके ऊपर मास्टर कर लो बाकी सब कुछ छोड़ दो जाने दो जरूरी बस यही है कि किस एक सिस्टम को कितने ज्यादा दिन तक आपने कितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यू डोंट हैव हैव टू अ बायस नॉट ऑलवेज विल यू बी एबल टू अराइव एट द क्लियर बुलिश और बियर चार्ट पास एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे ओपन द आइडिया ऑफ हैविंग नेचुरल बायस आप सिर्फ इतना समझ लो कि रोज रोज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा सबसे मेन बात मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रोज़ रोज़ स्टेट रोज एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी आप किसी भी चार्ट को देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर बुलिश बियरिश या इस तरह का कोई ट्रेंड दिख ही जाए ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती अपना बैच बनाने की कोशिश मत करो कि नहीं हमको तो लग रहा है ये होगा तो ऐसा ही होगा वो नेचुरली होगा उसको नेचुरली आने दो देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है ठीक है समझ में आ जाता है वो बहुत ज़बरदस्ती अगर आपको किसी चार्ट को एनालिसिस करने की जरूरत पड़ रही ना तो रुक जाओ वहां पर ठहर जाओ थम जाओ इसीलिए हमने कहा कि रोज़ रोज़ स्ट्रेट रोज एग्जीक्यूट मत करो जो भी चार्ट जो भी चार्ट आप देखोगे कि वो ट्रेडेबल है ना वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी तो ये भी जो भी सिस्टम ने बताया इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डेली वन आवर या फाइव मिनट पर आ जाओ खुद ही आ जाओ खुद ही मल्टी टाइम टाइम्स एनालिसिस करने लग जाओ मतलब जैसा हमने बना दिया है बिल्कुल ऐसे एनालिसिस करो खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ खुद मल्टी टाइम टाइम्स एनालिसिस आपको क्या लग रहा है डेली टॉप पर क्या रहना चाहिए फोर रहना चाहिए फोर रख लो इसके बाद में नीचे क्या वन और रहना चाहिए वन ले आओ नीचे क्या थ्री मिनट फाइव मिनट रहना चाहिए ये ले आओ हमें यह अच्छा लगता है हमने ये किया इसके ऊपर हम मास्टर हैं मास्टर इन द सेंस कि इसके ऊपर हम काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं इसको मास्टर करने की सेम एज़ इट इज़ बिल्कुल आप ऐसे फॉलो कर दो तो कुछ फॉलो करना तो आप कर सकते हो लेकिन पॉसिबिलिटीज़ रखो कि इसको और भी ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आप किस में कम्फर्टेबल हो ये काम करो बाकी आई होप कि अभी तक आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि टॉप डाउन एनालिसिस एक्चुअली होती क्या है जैसा अभी हमने आपको बताया जैसा अभी हमने आपको बताया सिर्फ हम लोग अगर लोअर टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस के ब्रेक हो जाने के बाद में हम लोग यहाँ से बाइक करेंगे हो सकता है हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर टॉप का जो टाइम फ्रेम है यहाँ से इसको रेजिस्टेंस प्राइस हमारा सीधे नीचे की तरफ उड़ जाए अब यही चीज़ अगर हम लोग हाई से देखना शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले मार्क ही इसको करेंगे और यही हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन बनेगा वापस से प्राइस जब यहाँ जाएगा एंड इसी जगह से हम लोग अपना ट्रीट एग्जी अब इसी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग अपना आज का एक ट्रेट समझेंगे और इसके अलावा भी एक और दो एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे बी है अब बी पी में हम लोग क्या करेंगे शुरुआत बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम से करते हैं जैसे हम लोग हम अक्सर जो करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आ गए डेली टाइम फ्रेम पर एक पॉइंट यहाँ से निकालो एक पॉइंट ढूंढो कि किस कैंडल से या किस प्राइस से हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम वाइज हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कैंडल है यहाँ पर वॉल्यूम आई है काफ़ी ज़्यादा देखिए वॉल्यूम्स ऑन कर ली है यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं क्यों हम इसको देख रहे हैं क्योंकि प्राइस ने एक हाई लगाया है एंड हाई लगा देने के बाद में वॉल्यूम के साथ में गिरी है नीचे की तरफ अगेन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वॉल्यूम आई और प्राइस ने हमारा अपसेड की तरफ जाने की कोशिश की अब क्योंकि हम आज इसको ट्रेड कर रहे हैं या मान लीजिए कल भी कर रहे होते अब हम ट्रेड कर रहे हैं और ये सारे प्राइजेक्शन बन चुके हैं जो, जो प्राइजेक्शन हो गए उसके अकॉर्डिंग अपना एक सिग्निफिकेंट पॉइंट एक सिग्निफिकेंट लेवल हमें निकालना है तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई और इस ग्रीन वाली कैंडल ने हाई लगा दिया अब जस्ट हमने इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई मार्क कर लिया जैसे मार्क किया ना हम लोग सिंपली इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई मार्क कर ले रहे हैं अब देखो कि यहाँ पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है जब जब प्राइस हमारा इस वाली जगह पर जा रहा है तो यहाँ पर क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर गया गिर गया अगेन देखिए इस जगह पर आया सस्टेन नहीं हो पा रहा है वापस से गिर गया फिर से देखिए यहाँ पर गया अगेन गिर गया यहाँ देखिए फिर से वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए अगर ये स्ट्रांग है तो इसे क्या करना होगा इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर सस्टेन होकर के हाइज फॉर्म करने होंगे मतलब कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा या हायर हाइस फॉर्म करने होंगे हायर हाई हायर उसके बाद प्राइस अपसाइड की तरफ चला जाए बट फिर से देखिए क्या हो गया इस वाले एरिया को ब्रेक करने के लिए कितनी कितनी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आ रही बट फिर भी प्राइस हमारा ब्रेक नहीं हो पा रहा है इसके बाद में लास्ट टू तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है कि प्राइज़ ने एक मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाया उसको गैप अप बोल सकते हैं ना अप प्राइस सीधे देखिए अप साइड की तरफ गया उसने कितने दिन के अपने हाईस को ब्रेक किया बट प्राइस फिर भी सस्टेन नहीं हो पाई नीचे की तरफ गिर गया आज की मार्केट ने क्या किया वापस से इसी जगह पर हमें लो, अब क्योंकि ये आज की कैंडल बनी नहीं है हम यही मान के चलेंगे कि आज की कैंडल नहीं बनी तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं क्योंकि हम इतने दिन से देख रहे हैं कि प्राइस हमारा 366.30 सिक्स यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट हो रहा है तो इस तरह से हमें की लेवल मिल गया एक कैंडल हमको मिल गई एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि स्ट्रॉगर लेवल कौन सा है हमारा स्ट्रॉगर पॉइंट कौन सा है तो हमने यहाँ पर सिक्सटीन मई का हाई मार्क कर लिया अपना अब आ जाओ फाइव वन आवर के टाइम फ्रेम पे अवली टाइम फ्रेम पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम से कम और लोअर मतलब कि फाइव मिनट टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम मेरा कौन सा है अब बीच का एरिया जो हमको मिल रहा है वो वन आवर टाइम फ्रेम वन आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग एक तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे क्या वन आवर के टाइम फ्रेम से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से दिखा रही है हालाँकि आवरली डेली टाइम फ्रेम पर तो हमने देख लिया कि प्राइस हमारा रिजेक्ट हो रहा है अगेन एंड अगेन एक ही जगह से रिजेक्ट हो रहा है और आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं कि जैसे कि ये एरिया ऐसे क्या कर रहा है ना डेली टाइम फ्रेम पर जहाँ हमें विक दिख रही थी वहीं आवली टाइम फ्रेम पर आते ही हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स मिल गए ये समझ में आ रहा है ना कि प्राइस इस जगह पर अपने सपोर्ट्स अप में जाते हुए वापस से प्राइस नीचे गिर गया फिर प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया वापस से नीचे गिर गया अगेन अपसाइड की तरफ गया फिर से नीचे गिरा फिर से अपसाइट की तरफ गया वापस से नीचे गिर गया कल के सेशन में क्या हुआ है यहाँ पर गया वापस से नीचे की तरफ गिर गया और आज भी जो मार्केट हमें मिली है एग्जैक्ट इसी जगह पर मिली है अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो उसे क्या होना चाहिए हमारे इन रेंजेस को लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चली तो अभी पूरी तरह से हमें देख रहा है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर है और बार बार उसी जगह से ये गिर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये समझ में आ गया डेली और वन आवर के टाइम फ्रेम से कि हमें हमारे की लेवल मिल गया मतलब कि पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ से हमें एक्शन लेना है इसके बाद में अवरली टाइम फ्रेम पर आते हुए हमने ये देखा कि इसका जो ट्रेंड हमें दिख रहा है आज के सेशन में वो डाउन दिख क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है तो प्राइस को हमारे लेवल के ऊपर जा करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा और सिर्फ ट्रेड ही एग्जीक्यूट करना नहीं होगा दो चीज़ें करनी होगी सबसे पहले तो इसको सस्टेनेबिलिटी दिखानी होगी और दूसरा अपने स्विंग्स या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं मतलब कि स्ट्रांगनेस हमें नहीं दिख रही अब हम आ जाएंगे सीधे फाइव मिनट के टाइम फ्रम फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमें सिंपली हमारे एंट्रीज के कन्फर्मेशन चाहिए अब आप देखोगे कि जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं हमने अपने थ्री पर, पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के यूं ही तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर देंगे यहाँ पर भी हमें कन्फर्मेशन चाहिए कन्फर्मेशन लाइक कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको दिख रहा है मिट्टीगेशन आपको दिख रहा है बी आपको दिख रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं सपोर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहे हैं कैंडल वाइज अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या बेरिश कैंडल्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं ये चीज़ें देख करके ही हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अब आप देखो कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है जो ये अपना सपोर्ट कर जिस जगह पर हम लोगों ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है एग्जैक्ट प्राइस थ्री था वॉल्यूम्स को आप ऑफ कर दो अब देखिए कि मार्केट क्या कर रही है हमारे हाई टाइम फ्रेम से रिजेक्ट होकर के अगेन्ट सपोर्ट फिर से रिजेक्शन फिर से सपोर्ट फिर से रिजेक्शन फिर से सपोर्ट क्या हो रहा है ना मार्केट इस जगह पर आकर के बार बार रुक रही है ये स्टक हो रही है मतलब कि इस एक जगह से उसको सपोर्ट्स मिल रहे हैं इन सपोर्ट्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइस जो अपना हाई है ना इसको नीचे की तरफ कन्वर्ट कर नीचे की दिशा में गिर रहा है मतलब कि प्राइस भी अपने हाईस को नीचे की तरफ लगा रहा है इस तरह से देखिए इसके हाई लग रहे हैं और ये इसके सपोर्ट हैं डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने देखा है कि मार्केट को किस जगह से रिजेक्शन मिल रहे थे इससे ज़्यादा अच्छा कन्फर्मेशन आपको मिल नहीं सकता और इससे इजी सिस्टम आपको मिल नहीं सकता जिसमें किसी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं हम लोग ट्रेड भी आज आप देखो कि हमने जो रिस्क लिया है ना एग्जैक्ट थ्री थाउजेंड का रिस्क है पूरा रिस्क हमारा थ्री थाउजेंड का है न एक रुपये कम ना ज़्यादा पूरा थ्री आप किसी भी सेगमेंट में काम करने चले जाओ आप डेली में जाओ फ्यूचर में जाओ जो जनरली लोग कर रहे हैं ऑप्शन में जाओ आप करो जा करके आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते आप वहां पर चाहे आप जितना जोर लगा लो अपना 90 परसेंट लोग ऐसे होंगे कि जो अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते 10 परसेंट और ये 10 परसेंट वो होंगे कि जो एडवांस प्रीमियम बोलेंगे वो अल्ट्रा एडवांसड होंगे वो अपना रिस्क मैनेज कर ले जाएंगे प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ नब्बे लोग ईमानदार नहीं है मार्केट में आप कहोगे कि ईमानदार मतलब क्या ट्रेड तो करते हैं ना हम दिन भर मेहनत करते हैं रीडिंग करते हैं सब करते हैं ईमानदार कैसे नहीं है एक्चुअली जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हो आप देखोगे कि आप अपनी पॉकेट कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क ले रहे हो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से मार्केट खुलने से पहले आपको मालूम है कि हम हम आज ये ये चीजें नहीं करेंगे जबकि मार्केट ओपन होने के बाद में आप वही काम करो कर जो आप नहीं करने वाले थे आपको मालूम है कि मेरी रिस्क कैपेसिटी पंद्रह सौ रुपए की है लेकिन आप रोज पंद्रह सौ रुपये को नुकसान करने के बाद में सोचते हैं एक ट्रेड बस और मारेंगे और ये सारा लॉस बस एक बार रिकवर हो जाए बाद में हम वापस फिर कल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे पंद्रह सौ रुपये का लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप तीन हज़ार रुपये का नुकसान करके बैठते हो और ये हम बहुत एहतियात के साथ बोल रहे हैं यही पंद्रह सौ रुपये कई लोगों के पंद्रह पंद्रह हज़ार हो जाते हैं एक एक दिन में दस दस पाँच पाँच हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार इतना लॉस करते हैं यही होती है ईमानदारी मार्केट ओपन होने से पहले आपको पता हो कि आपको क्या करना है कैसे करना है कितना रिस्क लेना है ट्रेड कितने करने है एक बार मार्केट ओपन हुई तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जस्ट लाइक अ रोबोट जो आपने अपने आप को मार्केट स्टार्ट होने से पहले एडवाइस दी थी आपको बस वही फॉलो करनी इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है नब्बे परसेंट लोग ये काम नहीं कर पाते तीन हज़ार का हमारा रिस्क था हम पूरी जान लगा देते हैं अपनी कि जो भी हमारा रूल है वो हम फॉलो करें भले कल आप ट्रेड में देखोगे कि स्टॉप लॉस हमने दिया है सत्ताईस अट्ठाईस सौ रुपये का हमारा स्टॉप लॉस गया वो गया हम चाहते तो पहले भी निकल सकते थे हमें पता था कि वो चला जाएगा लेकिन नहीं निकलना है हमको तो ये बार बार हम अपने ट्रेड्स के एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि हो सकता है कुछ एक दो पॉइंट आप सीख जाओ जिससे कि आपका जो लॉस हो रहा है वो ना हो या हो भी तो कम हो जाए पॉसिबल है आपको ऑप्शन करना है आपको फ्यूचर करना है करो जी जान लगा के करो खूब करो लेकिन पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ वरना सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा आप लाख अपने अंदर ही अंदर मन में ये सोचते रहो कि एक ही लॉट के साथ तो कर रहे हैं बीस ही तो क्वांटिटी है क्या ही बीस क्वांटिटी में अगर आपने किसी के कहने पर सिर्फ एक लॉट के साथ एक साल भी प्रैक्टिस कर दी ना तो आपके पास ट्रेड एग्जीक्यूट करने का पैसा नहीं बचेगा जिसको बोलते हैं ना कि बर्बाद हो जाना वो कंडीशन आ जाती है आप बीस लॉट बीस क्वान्टिटी को कम मानते हो किसी की देखा देखी उसका चालीस हज़ार प्रॉफिट उसका पचास हजार उसका एक लाख उसका दो लाख उसका पाँच लाख आजकल यही तो हो रहा है ना बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं करो आप काम आजकल यही तो हो रहा है ना बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं कि एक ही दिन में देखो एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा आप करो काम तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ इक्विटीज़ में मास्टरी कर लो पहले उसके बाद में डेरिवेटिव्स करो आपको मजा आ जाएगा मार्केट में काम करने का असली आनंद पता चलेगा तब वरना सिवाय डिप्रेशन के सिवाय एक एक वीडियो हमारा उठा करके देख लो आप कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा कि बस यूं ही फालतू बना करके डाल दिया हमने छोटा सा भी अगर आपको वीडियो देखने को मिल रहा है ना छोटा सा अगर हमने एक मिनट का भी वीडियो अपलोड किया है तो कुछ ना कुछ हमने उसमें मैसेज ही देने की कोशिश की है उसको समझो हमसे अच्छे यूट्यूबर्स, हम अच्छे यूट्यूबर्स हमसे अच्छे अच्छे आपको टीचर्स मिलेंगे उनको समझो पढ़ो जब प्रॉफिटेबल बन जाओ तब बड़ा रिस्क तब बड़ा रिस्क है ना उसके पहले नहीं कुछ नहीं इक्विटी में काम करो सिखाएगा इक्विटी ही आप दर दर के ठोकरें खाओगे भटकोगे हो सकता है मार्केट छोड़ दो है ना लेकिन सीख नहीं पाओगे तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की तरफ काम हायर पर हम लोग थे आवर्ली पर आ गए और अभी हम यहाँ पर फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और ये सिम्टम्स हमें आज की मार्केट में दिख रहे हैं यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखे जैसे ही मार्केट ने इस जगह पर ये सिम्टम दिखा है ना ब्रेकआउट का यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे वॉल्यूम्स ब्रेकआउट क्या होते हैं प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं आपको है ना तो अच्छे खास यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है कन्फर्मेशन से तब हमने इस जगह पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और जो स्टॉप लॉस पहले जो हम सोच रहे थे स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस रेड वाली कैंडल का हाई में अच्छा लग रहा था कि यहाँ तक स्टॉप लॉस हम लगा देते बट फिर समझ में आया कि थोड़ा सा ले ले और प्रिकॉशंस ले लेते हैं और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दें इस ग्रीन वाली कैंडल यहाँ इस स्विंग पर तो यहीं अपना स्टॉप लॉस हमने रख दिया था अच्छा खासा था एंड जो ट्रेड्स टारगेट हमने बुक किया था वो यहाँ के अपना टारगेट बुक सीधे नीचे की तरफ गिरी और यहीं पर आकर के स्टॉक हो गए थे यहाँ पर वॉल्यूम्स दिखे आने लग गए थे ना तो यहीं पर हम लोगों ने फिर अपनी एग्जिट कर दी थी तो ओवरऑल अपनी ये एनालिसिस थी आज की ट्रेड की एंड आई होप कि समझ में आया होगा अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अब ये टाटा मोटर का चार्ट है टाटा मोटर के अंदर लाइक कि अगर ये स्विंग लगा है तो इस स्विंग के ऊपर हम लोगों को बाई करनी है प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ये जस्ट हम लोग सिर्फ एक मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे गिरी अगेन देखिए डाउन साइड की तरफ अगेन डाउनफॉल आया हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से प्राइस में जैसे ही अपसाइड की तरफ मूवमेंट होती है हम लोग यहाँ से बाई करते हैं बट फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस ने एक हाई लगाया इस हाई के पास से मार्केट वापस नीचे गिर गई क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा इसका आंसर हम लोगों को मिलता है डेली टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि प्राइस में इस जगह पर एक रिजेक्शन कैंडल्स हैं एग्जैक्ट हाई पर नहीं बट ये वाला एरिया देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ये हमारा जस्ट स्विंग हाई है प्राइस ने जैसे ही अपने स्विंग हाई के पास मूवमेंट्स दिखाए आप देखोगे कि लोअर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन आपको सेम एग्जैक्ट उसी जगह से देखने को मिले यहाँ से हम लोगों ने बाई किया प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया और वापस से गिर गया तो पॉइंट ऑफ एक्शन क्या बना है ये वाला सारा गेम पॉइंट ऑफ एक्शन का है ये देखिए जैसे बजाज फाइनेंस का चार्ट है बजाज फाइनेंस में हम क्या कर रहे हैं कि इस स्विंग के ऊपर में बाई कर रहे हैं अब मान लीजिए हम लोग इस एक जगह पर क्योंकि प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था अच्छे खासे वॉल्स भी आ रहे थे ये देखिए हाइज लग रहे हैं हाइज लोज अप साइड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं है ना और प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया मॉर्निंग की ये वाली कैंडल ब्रेकआउट मान लीजिए हम लोग यहाँ से बाइक कर लेते तो लेकिन प्राइस इस जगह से फिर सीधे नीचे की तरफ गिर गया इसी जगह पर क्योंकि ये काम अभी जो हम लोगों ने किया है ये लोअर टाइम फ्रेम से किया है यहाँ पर जैसे ही हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे दिखाई पड़ेगा कि एग्जैक्ट इसी जगह पर एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है ये वाला और जैसे ही मार्केट इस एक जगह पर गई लोवो टाइम फ्रेम पर आएंगे जैसे ही प्राइस उस जगह पर इस एरिया में जैसे ही टकराया है इसको रेजिस्टेंस मिल गया और प्राइस वापस से मारा नीचे आप देखोगे कि कई बार मार्केट उसी जगह से बिल्कुल सीधे सीधे नीचे की दिशा में आई है तो यहाँ पर समझ में क्या आता है ना कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारा सपोर्ट हमें मिल जाता है आवरली कह लीजिए डेली कह लीजिए और इसके बाद में फिर हम लोग फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के अपने ट्रेड्स के जो कन्फर्मेशनस होते हैं उस हो जगह से हम लोग अपने ट्रेड्स के कन्फर्मेशन ले, ले लेते हैं सिंपल तो सा मेथड है काम करने का कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं वॉल्यूम्स देखो प्राइस देखो एक अपना लेवल ड्रॉ कर लो प्राइस का अपने लेवल तक आने का वेट करो कन्फर्मेशन लो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो बस ये जितना सिंपल हमने बोला ये इतना ही सिंपल है इससे मुश्किल ज़्यादा है नहीं मुश्किल पड़ेगी शुरुआत में मुश्किल इन देंस कि फिर प्रैक्टिस आप कितना समय दे रहे हो सिस्टम को प्रैक्टिस करने में क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये दस पंद्रह मिनट का वीडियो मान लीजिए आपने देख लिया है ना अब देखने के बाद कल से जब मार्केट या मंडे से स्टार्ट हो वैसे आप देखना स्टार्ट कर दो और काम करने लग जाओ तो नहीं थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मल्टी टाइम फ्रेम्स के फर्स्ट स्टेप को पहले कंप्लीट करना होगा सेकंड फिर थर्ड स्टेप को कंप्लीट करना होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ती हैं जैसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जुड़ेगा आपका स्टॉक सिलेक्शन जुड़ेंगे एंट्री एग्जिट्स के पॉइंट्स uh, ऐड होंगे इसके अंदर सारी चीज़ें कंबाइंड होकर के कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये पूरा सिस्टम है इस सिस्टम को बोला जाता है टॉप डाउन एनालिसिस सिस्टम या टॉप डाउन एनालिसिस स्ट्रेटजी इसका यूज़ करो आप इसके बेनिफिट देखोगे लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट देखोगे ये ऐसा नहीं कि दो चार पांच साइड आपने एग्जीक्यूट कर दिए और एक महीने के बाद में मार्केट ने इस सिस्टम को मानना बंद कर दिया मानता आया है इस ऐसे सिस्टम को ही मार्केट आगे भी मानती आएगी क्योंकि ये प्राइस एक्शन है मरता नहीं है कभी एक बार सीख लोगे हमेशा का ये है ना बाद में फिर धीरे 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 इसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट करोगे और स्ट्रांग होता जाएगा ओके okay, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं आई होप कि समझ में आएगा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो भी सिस्टम ने आपको बताया है और क्लियर किया है टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो काफी सारी अपडेट्स हम टेलीग्राम के थ्रू धीरे धीरे पहुंचाते रहते हैं सो थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन